कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा अच्छे ही होंगे। आज हम आ चुके हैं बनारस में। पीछे हमारा घाट है, देखिए बनारस घाट। तो घाट का ब्लॉगिंग दिखाऊंगा इस बार, आया हूं बनारस घूमने। तो चलिए आगे वीडियो दिखाते हैं। कहते हैं कि मुंबई माया नगरी है, यहां छोटे छोटे इंसानों के बड़े बड़े सपने पूरे हुए। पर बनारस ये वो जगह है जहाँ पर इंसान बड़े बड़े सपनों को जलते हुए मिट्टी में खाक होते हुए देखा है। एक चादर रख लेना साथ में, या फिर बनारस सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर 10 रुपये में बिकने वाली पन्नी ले लेना और पहुंच जाना सीधे मणिकर्णिका घाट पे। ये वो जगह है जहां इंसानी लाशों को जलते हुए उजालों में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखती है। एक रात के लिए भूल जाना कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का कार्य के लिमिट कितनी है, तुम्हारे डेबिट कार्ड में कितने पैसे पड़े हैं, जिन्हें तुम अभी निकाल के 5-स्टार होटल बुक कर सकते हो। भूल जाना अपने पैरों में पड़े हुए जूते की कीमत या कलाई में टिक 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 करती हुई घड़ी, घड़ी की कीमत और पन्नी बिछाकर बैठ जाना एक कोने में और देखना चुपचाप वहाँ का तमाशा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सच दिखाई देगा। तुम देखोगे कि कैसे वे लोग जो जिनके पास कभी समय नहीं रहा लोगों के लिए, उन्हें कैसे लोग जलते हुए ही छोड़कर चला जाया करते हैं। वे लोग जिन्होंने अपनी ईगो में आकर किसी के सामने झुकना नहीं स्वीकार किया, वे कैसे कभी गिरे हुए हैं और इस कदर गिरे हुए हैं कि बिना 4 लोगों के उन्हें उठाया भी नहीं जा सकता। वे लोग जिन्हें गुमनाम था अपने हुस्न पर, अपनी हर एक चीज़ पर, आज कैसे कुछ घंटों के बाद उनका यहाँ कुछ भी अपना नहीं रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। वो लोग जिन्होंने ठोकर मार दी थी, उनके जिन्होंने सबसे ज़्यादा चाहा और आज उनके पास कोई आखिरी लौ बुझाने तक साथ बैठने वाला तक नहीं है। वे लोग जिन्होंने अपनी महंगी घड़ी पर आज पता चला कि समय क्या है, वे लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दूसरों के दुख दिया, उनकी आवाज़ आज उनकी चटकती हड्डियों के कैसे निकल रही है। और तुम देखोगे कि यहाँ जो हो रहा है वही सच है, बाकी सब झूठ, बस एक रात की बात है। जाओ कभी मणिकर्णिका, सब सीख जाओगे बिना किसी के सिखाए, यकीन करो। अगली सुबह अपना बैग, घड़ी और जूते, शायद दुख को भी साथ लेकर वापस आने की भी मन नहीं करेगा, क्योंकि जलती हुई हड्डियों की चीखें बहुत सन्नाटा भर देंगी तुम्हारे अंदर, जो किसी के दर्द दुख हंसते हुए ले लेने के लिए काफ़ी रहेगा हमेशा के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को